बालोद जिले से 22 किलोमीटर दूर गुंडरदेही ब्लॉक संकुल केंद्र हल्दी प्राथमिक शाला सिरा भाटा के शिक्षक नकेश्वर साहू, शिक्षिका किरण देशमुख के अन्यत्र शाला में पदोन्नति होने पर शाला प्रबंधन समिति, ग्राम पंचायत मटिया के सरपंच दानीराम सिन्हा एवं शाला के स्टाफ एवं ग्राम वासियों के द्वारा श्रीफल एवं शाल भेंट कर सम्मानित किया गया। दोनों टीचर ने 14 साल छात्र छात्राओं को अध्यापन कराया। उनका कार्यकाल अच्छा रहा। वह इस समय पर उपस्थित होकर अध्यापन का कार्य करते थे, जिसकी परिणाम स्वरूप 3 बालक बालिकाओं का नवोदय विद्यालय में चयन हुआ था। नकेश्वर साहू शिक्षक ने अपने उद्बोधन में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा, बच्चे जो है अपने लक्ष्य लेकर पढ़ाई करें, सफलता जरूर मिलेगी। शाला के संस्था प्रमुख दिनेश कुमार निषाद ने कहा कि शिक्षक साथियों से अपील, जिस स्थान पर जाए अपने दायित्व को पूर्ण निष्ठा के साथ छात्र छात्राओं का ध्यान रखकर अध्यापन का कार्य करे और शिक्षक साथियों का पदोन्नति होने पर शुभकामना एवं बधाई दी। आज मुझे शासकीय प्राथमिक शाला सिरा भाटा से विदाई दी गई और यहाँ मैंने कुल 14 वर्षों तक अध्यापन कार्य करवाया है शिक्षक के रूप में। और यहाँ मुझे अध्यापन कार्य में कराने में बहुत ही अच्छा लगा है एवं यहाँ जो शिक्षकों का आपसी सहयोग था एवं यहाँ के जो समुदाय का जो सहयोग था वो सराहनीय है। खास करके यहाँ के जो SMC है उनका शाला के प्रति जो लगाव है, शाला के प्रति जो उनका ध्यानाकर्षण है वो काफ़ी सराहनीय है। और इसी क्रम में मैं ये चाहूँगा कि जो बच्चे जिस प्रकार से बेहतर कर रहे हैं वो और बेहतर करें और इस शाला का नाम पूरे जिले में, पूरे राज्य में रोशन करें। धन्यवाद। ये आपका हल्दी संकुल के अंतर्गत नवोदय विद्यालय में 3 छात्रों का सिलेक्शन हुआ था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हल्दी संकुल के अंतर्गत शाला के बच्चों का यहाँ निश्चित रूप से 3 बच्चों का यहाँ सिलेक्शन हुआ। पिछले वर्ष भी हमने प्रयास किया था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया एवं यहाँ प्रतिवर्ष नवोदय के बच्चों के प्रवेश के लिए जैसे ही उनकी परीक्षा की तिथि आती है तो विशेष तौर पर उनको बालोद से रूपचंद जैन की रिपोर्ट। बस देखते रहिए CG Vision TV।